ना घंटों तक साबुदाना भिगो कर रखना है और ना ही आलू उबालने का झंझट। सिर्फ 15 मिनट में व्रत के बहुत ही टेस्टी साबुदाना वड़ा बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ये इंस्टेंट 15 मिनट में बनकर तैयार होने वाले साबुदाना वड़ा की रेसिपी जरूर बनाकर ट्राई करें। बहुत टेस्टी लगते हैं, ऊपर से एकदम कुरकुरे और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि साबुदाना वड़ा किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी एक पैन में या कढ़ाई में 1 कप साबुदाना को अच्छे से सेक लेंगे। हल्का सा इनका कलर चेंज होने देंगे। 2 से 3 मिनट हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे ताकि ये क्रिस्प हो जाए और इनका जो सारा मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए और हमें पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साबुदाना जो है काफी अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद में हम इनका पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। गरम गरम साबुदाने को मिक्सी में ना पीसे। तो साबुदाने अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको मिक्सी जार में डाल देंगे और इनका बढ़िया सा एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस तैयार पाउडर को किसी भी एक बड़े साइज के बर्तन में निकाल लेंगे और इसके बाद में हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि सेम मिक्सी के जार में 1 से 1.5 इंच जितना छीला हुआ और इस तरह से रफली कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे। हरी मिर्च ऐड कर देंगे रफली कटी हुई। तो हरी मिर्च यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड कर दें। 2 मीडियम साइज के आलू को धोकर छिलका उतार कर रफली काट कर ऐड कर देंगे। अब हम इन सभी का बढ़िया सा एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इस तैयार पेस्ट को जो हमने साबुदाने का पाउडर बनाकर रखा था उसके अंदर ऐड कर देंगे और साबुदाने के पाउडर में हम इस पेस्ट को अच्छे से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को अच्छे से। इसके बाद में हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। तो अगर आप धनिया पाउडर व्रत में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हटा दें। नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, तो जो भी नमक आप व्रत में इस्तेमाल करते हैं उसे डाल दें। इसके बाद में मैंने यहाँ पर 1/4 कप मूंगफली के दानों को सेक लिया था, उनका छिलका उतार दिया और रफली क्रश कर लिया था। तो ये जो मूंगफली के दाने का पाउडर है इसे ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधे नींबू का रस। तो बीज हटाकर हम नींबू का रस ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे सभी चीज़ों को अच्छे से। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर देंगे। तो हम इसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, तो हम इसमें सिर्फ इतना ही पानी ऐड करेंगे कि ये जो मिक्सचर है ये अच्छे से बाइंड हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इजीली हाथ में बाइंड हो जा रहा है। तो बस इतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसके बाद में हम इसके इस तरह से वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप वड़े अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप के बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनको गोल टिक्की के शेप में बनाया है। आप चाहें तो गोल गोल भी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो इनको ओवल शेप में भी बना सकते हैं। अब हम ये जो तैयार वड़े हैं इनको डीप फ्राई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि मीडियम फ्लेम पर पलट पलट के वड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का सुनहरा कलर आने देंगे वड़ों के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको अपम मेकर में भी बना सकते हैं और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वड़ों को काफ़ी अच्छे से फ्राई कर लिया है, काफ़ी बढ़िया इन पर कलर आ गया है। तो अब हम इनको किसी भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो वड़े हैं इनको बहुत ही सिंपल बनाया है। आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, कोकोनट पाउडर ऐड कर सकते हैं, इनसे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे।
इसके अलावा अगर आप इनको पूरा मतलब साबुदाने से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आधा साबुदाना ले लें और आधा कप कोई सा भी व्रत का आटा ले लें, जैसे सिंघाड़े का, राजगरे का या फिर कुट्टू का आटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी इंस्टेंट 15 मिनट में बनकर तैयार होने वाली बहुत ही टेस्टी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट सी साबुदाना वड़ा बनके तैयार है। और एक साबुदाना वड़ा मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ताकि आप देख पाएं कि कितने ज़्यादा अच्छे ये बनके तैयार हुए हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी एक बार इस तरह से साबुदाना वड़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।